Assalamualaikum जी, welcome to another DHS Vlogs. Hope you guys are all doing fine and hope that you are in a good mood right now. एक वीडियो आपके लिए बनाई है for you guys. इसमें latest scientific updates के बारे में बात करूंगा, जो dentistry से भी related है और जो medical field से भी related है. तो क्योंकि guys देखें, सिर्फ dentistry पे बात करने से कुछ लोग, बहुत लोग मुझे message ये भी करते हैं Instagram पे भी, इंस्टा पे भी और फेसबुक पे भी, सर आप दूसरे बारे में भी बताया करें कि मेडिकल फील्ड में क्या चल रहा है, हमें भी अपडेट दिया करें. और रीग्रोथ मेडिसिन की अपडेट भी इस वीडियो के एंड पे होगी. ब्लॉग को लास्ट देखिएगा एंड तक और लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में पूछा करें मुझसे, जो मैं आपको बताता हूँ मेडिकल इश्यूज या मेडिकल अपडेट्स उसके बारे में आप क्वेश्चन नीचे लिखें और मुझसे पूछें. आई विल गिव यू द एग्जैक्ट अपडेट और एग्जैक्ट आंसर यू नीड. ठीक है जी, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग अस. बस बेल आइकन को दबा के रखें ताकि जो हमारी वीडियोस जो आती हैं वो आपके पास बगैर किसी बीइंग लेट आप तक पहुंचे. आप सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक करें, शेयर करें और सपोर्ट अस लाइक दिस. सो बढ़ते हैं जी वीडियो की तरफ. अच्छा जी गाइस, एक लेटेस्ट न्यूज बड़ी बहुत ज़्यादा है, उनमें से कुछ मैंने शॉर्ट लिस्ट की हैं. उसमें से सबसे पहले जी, एक 67 ईयर ओल्ड पेशेंट है जो आई गेस लंदन में रहता है, यूके में. उसका नाम है जेनोस राचेस. अब मैं आई एम टेलिंग इट करेक्ट. 67 ईयर ओल्ड पेशेंट है. उसने जी सबसे पहले कैंसर मेडिसिन उसको मिल गई है लंग कैंसर के लिए और वैक्सीन का जो नाम है BNT116 है. ये mRNA बेस्ड एक जो है ना जी, वो वैक्सीन उसको मिली है जिसे उसके लंग कैंसर को टारगेट किया गया है और उसका लंग कैंसर क्योर कर लिया गया है. ये आपके लंदन में अवेलेबल होगी है और पहली कैंसर की, लंग कैंसर की प्रॉपर रजिस्टर्ड आइडेंटिफाइड और हर जो है ना वो मेडिकल इदारे से मंजूर शुदा लंदन में अवेलेबल है. और द पेशेंट जिसको ये मिली है उसके कैंसर सेल्स कम हो गए हैं, इज फीलिंग बेटर. और अब ये वैक्सीन जो लंग कैंसर के लोग हैं, जैसे जो सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हैं, पीपल हु आर स्मोकिंग वेपिंग अलॉट, तो देर आर गुड न्यूज़ कि अब आपके पास लंग कैंसर की वैक्सीन प्रॉपरली अवेलेबल है. गाइस अब दूसरी अपडेट ये है कि अब पहला तो आपको पता है, एक पेशेंट था जिसको न्यूरालिंक की चिप दिमाग में लगी थी, जो एलन मस्क का प्रोग्राम है, जो उन लोगों की जिनको डिसऑर्डर्स हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स या स्पाइनल कॉर्ड डिसऑर्डर्स, इसकी वजह से वो सारी चीज़ें नहीं कर पाते जो एक इंसान आम कर सकता है. वो एक चिप आपके दिमाग में लगाते हैं, वो आपको हेल्प करती है असेस करने के लिए जो भी आपके इश्यूज़ हैं, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, वो सब उसमें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं. ये एलन मस्क का ग्राउंड ब्रेकिंग प्रोजेक्ट है, आप सबको पता ही होगा. तो न्यूरालिंक का जी दूसरा एक बंदा, लड़का सामने आया है, उसका नाम है एलेक्स. उसके दिमाग में ये चिप इंस्टॉल की गई है और उस चिप की मदद से ही इज़ गेटिंग अ लॉट ऑफ हाइप. वो उस चिप के दिमाग लगने से वो पैरालाइज्ड है स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी की वजह से. अब वो जो है ना जी, वो ही कैन प्ले गेम्स ऑनलाइन, वो काउंटर स्ट्राइक खेल रहा है और उसके हाथ भी काम नहीं करते, लेकिन वो अपने दिमाग से ही सोचता है तो वो गेम खेल सकता है. मतलब उसके दिमाग में है कि मैंने यहाँ पे शूट करना है, मैंने यहाँ पे हाइड करना है, तो वो दिमाग उसका ऑटोमेटिकली काम कर रहा है. बहुत बड़ी एडवांसमेंट है. मेरा भी दिल करता है मैं अभी अपने दिमाग में न्यूरो जो है ना ये न्यूरोलिंक की चिप लगवा लूँ कि मेरा दिमाग थोड़ा और तेज़ चलना चाहिए, क्योंकि जितने लोग इर्द गिर्द के और जिस तरह का हम लोग काम से गुजरते हैं सारा दिन, तो आई थिंक मुझे भी एक न्यूरोलिंक की चिप चाहिए ताकि मैं हर काम कर सकूँ और फास्ट कर सकूँ. दिल तो मेरा कर रहा है कि आई मस्ट ऑल्सो अप्लाई फॉर द न्यूरोलिंक चिप. तो बहुत अच्छी बात है जी, वो पैरालाइज था, उसके हाथ नहीं थे, गेम उसको खेलने का बड़ा शौक था. न्यूरोलिंक की चिप से ही इज एबल टू प्ले हिज फेवरेट काउंटर स्ट्राइक गेम. और ये भी बहुत बड़ी एडवांसमेंट है जी और अपडेट है मेडिकल हिस्ट्री में. अच्छा जी, एक और अपडेट है और मुझे मेरे फॉलोअर्स जो हैं उन्होंने भी अपडेट किया इस पर और मैंने थोड़ा इस पर गौर रिसर्च की और देखा कि इंडिया में जी एक आई ड्रॉप्स आए हैं नए, उनका नाम है जी प्रेसवो आई ड्रॉप्स हैं और ये अक्टूबर से अवेलेबल होंगे सबके लिए. 350 रुपये इंडियन रुपीज़ पर ये मिला करेंगे आपको और इसके डालने से आपकी आई साइट जो है वो ठीक होना शुरू हो जाती है. ये प्रेस बायोपिया जो होता है ना, इसको एलिमिनेट करता है, जिसकी वजह से आपको ऐनक पहननी पड़ती है कोई चीज़ पढ़ने के लिए, तो ये ड्रॉप्स यूज़ करने से आपकी ऐनक ख़त्म हो जाएगी. लेसिक करने की शायद आपको ज़रूरत ना पड़े
और ये उन लोगों के लिए भी है आई थिंक सो, जो अफोर्ड नहीं कर सकते LASIK ऑपरेशन, तो ग्लासेस उतारना चाहते हैं, तो आई थिंक इस ड्रॉप्स को यूज़ करते हैं तो किसी टाइम पीरियड के लिए ये ठीक हो जाता है, और इस तरह का कुछ इसका है सिलसिला। और अभी इसमें थोड़ी और डिटेल सामने आएंगी, तो बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग जी इंडिया में इस आई ड्रॉप्स के बारे में है, अपडेट है, और आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग। बहुत लोग इसे मुस्तफ़ीद होंगे, सीनियर्स, जूनियर्स, टीनएजर्स, सबको ज़रूरत है ऐसे आई ड्रॉप्स की। आई थिंक इसमें सीनियर लोगों के लिए ज़्यादा होगा, जिनको ग्लासेस पहनने की बड़ी मुश्किल होती है, इनकी ग्लासेस गुम हो जाती हैं, तो इनके लिए एक बहुत अच्छा जो है ना इंसेंटिव है इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। और आखिर में गाइस, हेड टू थ्री जनरेशन का मुझे इतने क्वेश्चंस आते हैं, सर टू थ्री जनरेशन वो भी होगी, आपको अपडेट करेंगे, वी विल अपडेट यू एट एवरी स्टेप। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन अबाउट टू थ्री जनरेशन इज दैट दे हैव सेड मी के जी 17 to 19 September से 17 to 19 September से जो है ना ट्रायल्स का आगाज हो जाएगा। जैसे ही होगा पहला सेशन, दूसरा सेशन जैसे ही होता है, तो फिर इंशाल्लाह आपको अपडेट करेंगे, और अथॉरिटीज ने यही बताया कि फिर हम आपको खुद ही बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो जारी बात है, आई कैन नॉट क्वेश्चन एंड आंसर देम टू मच, और इफ़ आई स्टार्ट बकिंग देम टू मच अबाउट एवरीथिंग, तो इट डजंट लुक नाइस। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना होगा, हमें देखना होगा, इंशाल्लाह जैसी अपडेट आएगी जरूर आपसे शेयर करेंगे। 17 to 19 September से रीग्रोथ ट्रायल्स का आगाज हो जाएगा, और आज की वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग DHS व्लॉग्स, और सपोर्ट करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह सी यू इन अनदर वीडियो वेरी सून। अल्लाह हाफिज़।